दोस्तों शादी से पहले प्रेमिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और प्रेमी ने पेचकस से गोद डाला। दोस्तों इस घटना के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। साथियों यह घटना है यूपी के शक्तिनगर की। यूपी के शक्तिनगर में एक निशा नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 21 साल। दोस्तों वह निशा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी और वह कॉलेज में पढ़ा करती थी, कॉलेज जाया करती थी और वहाँ से पढ़कर अपने घर आया करती थी। दोस्तों इसी तरह से कॉलेज जब वो जाती थी तो वहाँ से जब आती थी तो उसकी एक मुलाकात एक लड़के जिसका नाम है सहबाज, उससे हो जाती है और फिर हर रोज़ का किस्सा ये बन जाता है कि जब भी वह कॉलेज से वापस लौटती है तो सहबाज से रास्ते में बातें करके अपने घर आया करती है। धीरे धीरे उसकी बातें बढ़ने लगी सहबाज और निशा के बीच में और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और दोस्तों फिर आपको मालूम ही है प्यार सब रोगों की जड़ प्यार ही तो है फिलहाल नौजवानों में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साथियों 3 साल तक उनका प्यार परवान चढ़ता रहता है और निशा के घर वालों को पता लग जाता है कि उसकी लड़की किस लड़के के साथ घूमती फिरती है, लेकिन निशा के घर वाले उसके मम्मी पापा निशा से कुछ भी नहीं कहते हैं। इसी तरह से सहबाज के घर वालों को भी पता लग जाता है कि उनका लड़का किसके साथ घूमता है, लेकिन सहबाज के घर वाले भी कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी कि पूरी छूट उनको मिली हुई है और छूट का नतीजा हमेशा खतरनाक होता है, वह आपको इस घटना के अंत में पता लग जाएगा। दोस्तों 3 साल गुजर जाते हैं उन दोनों के प्यार को, प्यार परवान चढ़ता है और हंसी खुशी वो रहते हैं। उनको लगता है कि लड़की को लगता है कि इस लड़के से अच्छा इस संसार में कोई है ही नहीं और सहबाज को लगता है कि इस लड़की से अच्छी इस संसार में कोई लड़की है ही नहीं। इसी तरह से 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल गुजर जाने के बाद निशा के पेट में एक बच्चा रह जाता है। उसके बाद निशा सहबाज से कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, अब क्या करेंगे। सहबाज कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम अपने घर वालों से जाकर कह दो कि मैं सहबाज के साथ शादी करूँगी और उसी का मेरे पेट में बच्चा है। दोस्तों उसके बाद वह लड़की अपने घर आकर कह देती है अपने घर वालों से और घर वाले कुछ नहीं कहते, उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निशा एक बच्ची को जन्म देती है। दोस्तों बच्ची का जन्म हो जाता है और जो सहबाज है वो भी उस बच्ची को देखने के लिए आता है और निशा अपनी बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के घर में ही उसको लेकर रहने लगती है। उसके बाद निशा सहबाज से कहती है कि अब बच्चा हो गया है, अब तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन सहबाज ये बात कहकर टाल देता है कि अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं है, शादी करेंगे बाद में, पहले मैं कुछ कमाने खाने का जुगाड़ बना लूँ। दोस्तों इसी तरह से हर रोज़ निशा उस सहबाज से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अब बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, समाज के लोग ताने देंगे, लेकिन सहबाज हर रोज़ यही बात कहकर टाल देता है कि अभी मेरा खाने कमाने का कोई जुगाड़ नहीं बैठा है, जिस दिन जुगाड़ बैठ जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों इसी तरह से कहते कहते 20 दिन गुजर जाते हैं और जो नवजात बच्ची होती है वो 20 दिन की हो जाती है। 20वें दिन सहबाज फिर निशा के घर आता है और वो दोनों आपस में प्यार से बातें करने लगते हैं और प्यार में बातें करते करते फिर वहीं पर आकर बात रुक जाती है। निशा कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते, समाज के मुझे ताने मिलेंगे, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते हो। सहबाज फिर भी यही कहता है कि खाने कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो इसी तरह से इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और निशा कहती है कि अगर खाने कमाने का जुगाड़ नहीं लगा तुम्हारा तो क्या मैं हमेशा अपने माँ बाप के घर ही बैठी रहूँगी। तो दोस्तों इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इस लेवल तक, इस हद तक बढ़ जाता है कि सहबाज पास में पड़े हुए एक पेचकस को उठाता है और निशा की पहले तो हाथों पर मारता है, उसके बाद हाथों को घायल करने के बाद निशा की गर्दन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है और निशा की तड़प तड़प कर वहीं बिलक बिलक कर प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद साथियों उसके बाद क्या होता है, वह अपनी नवजात बच्ची को उठाता है और नवजात बच्ची को पक्के फर्श पर जोर से देकर मार देता है। उसके बाद साथियों वहाँ से वह फरार हो जाता है। घर वालों को पता चलता है, घर वाले उस कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हालत वहाँ पर बहुत गंभीर हो चुकी थी, निशा मर चुकी थी। पुलिस वाले को खबर की जाती है, पुलिस स्टेशन में खबर की जाती घर वालों के द्वारा और पुलिस वाले उसको सहबाज को पकड़ लेते हैं और कोर्ट में पेश कर देते हैं, उसको सजा हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस घटना से क्या सबक मिलता है, यहाँ पे जो निशा नाम की लड़की है उसने पहले तो अपनी इज्जत गंवाई, उसके बाद उसने अपने घर वालों की इज्जत गंवाई और फिर अंत में उसने अपनी जान भी गंवाई। किसके चलते, सिर्फ और सिर्फ एक प्यार नाम की चिड़िया के चलते।
ये प्यार नाम के जो ढकोसले हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन तक के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, मन भर जाता है, उसके बाद प्यार नाम की चिड़िया पेड़ को छोड़कर उड़ जाया करती है। इसी तरह से इस संसार के अंदर आजकल हो रहा है। प्यार का मतलब किसी के ऊपर निछावर होना होता है, लेकिन यहाँ तो आजकल प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरों की जान लेना बन गया है, यानी कि उल्टा चलन बन गया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या यह प्यार था या फिर निशा ने सही किया था? आपको यहाँ पे किसकी गलती लगती है? या फिर निशा के घर वालों ने गलत किया था, उन्होंने संस्कार ही ऐसे दिए थे निशा को, ना ही निशा को एक बार भी समझाया था? तो यहाँ पे आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे तिरछी बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और मैं समझूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। और ऐसी ही बहुत सारी सच्चाई के ऊपर आधारित घटनाओं के ऊपर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल तिरछी बात पर जरूर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, यह था आज का प्रोग्राम, सत्यता के ऊपर आधारित घटना का वीडियो। और नेक्स्ट किसी सत्यता के ऊपर आधारित घटना का वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।